असलम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे टेबल फ़ैन। ये 18 वॉट रिचार्जेबल टेबल फ़ैन है और ये बहुत पावरफुल है, जैसे कि आप वीडियो के शुरू में देख चुके हैं, और इसको बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम शाउट आउट देंगे एक्सपेरिमेंट ऑडियो को, जिसका चैनल आपको इधर शो हो रहा होगा। मेरा नाम शरीफ आदि अगर मिस्टर शरीफ की रेवड़ी यूट्यूब चले, चलिए आपको ये टेबल फ़ैन बनाना सिखाते हैं। मैंने एक 775 DC मोटर ले लिया है और इसकी एम्पियर बहुत ज़्यादा है, और मैंने एक 2 PVC पाइप ले लिया और उसको एक हिस्से से काट लिया, छोटा कर लिया, जिस तरह देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा 775 DC मोटर इसमें फिक्स आ जाए, क्योंकि वो 2 इंची बड़ा था। देखिए, मैंने अभी इसको काट लिया है और इसमें फिक्स भी आ रहा है। इसमें सुपर ग्लू मैं लगा देता हूँ, इसको अच्छी तरह बंद कर देता हूँ। देखिए, मैं अभी इसमें सुपर ग्लू लगा रहा हूँ और मैंने इसमें लगा भी दी। देखिए, हमारा इसमें फिर भी हमारा ये लूज़ हो रहा है हमारा मोटर, इसलिए मैंने एक शीट ले ली है PVC पाइप की। अक्सर मैं इसमें यूज़ करता हूँ, और उसकी साइज़ के हिसाब से 5 इसकी सेंटीमीटर साइज़ है। इसके लिए हम 1.5 सेंटीमीटर इसमें गोल तायरा बना लेंगे, गोल सर्कल बना लेंगे। फिर मैं उसको काट भी देता हूँ कुछ इस तरह। देखिए, मैंने उसको कटर की मदद से सारे को काट देता हूँ, और हमने इसको काट भी लिया। फिर मैं इसको फिनिशिंग दे दूँगा, क्योंकि इसकी अच्छी शेप आ जाए, इसलिए मैं इसको फिनिशिंग देता हूँ। फिर मैं इसमें एक होल कर दूँगा, ये मोटर में फिक्स आ रहा है, मैं होल की मदद से इसमें होल कर देता हूँ बिल्कुल मिड में, और देखिए मैंने इसमें होल कर दिया है कुछ इस तरह। फिर साइड में भी मैं इसमें 2 छोटे होल कर दूंगा, जैसे इसमें मैं स्क्रू फिट करके इसमें मोटर में लगा दूँ। दोनों साइड इसमें छोटे होल कर देंगे। फिर कटर की मदद से इसको फिनिशिंग दे देंगे अच्छी तरह। देखिए, इसमें अच्छी तरह फिक्स आ रहा है, और उसमें स्क्रू के लिए भी नट भी है, वो भी फिक्स आ रहे हैं। फिर मैंने एक वही अपना PVC पाइप ले लिया, उस पर ऊपर इसको चिपका देंगे कुछ इस तरह, बंद कर देंगे। फिर मैं इसमें मोटर लगा दूंगा। अभी हमें इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे। देखिए, मैंने 2 स्क्रू छोटे ले लिए और इसमें अपने 775 DC मोटर में लगा देंगे। दोनों स्क्रू लगा देंगे इसमें। देखिए, मैंने इसमें दोनों स्क्रू अच्छी तरह फिक्स कर दिए, लगा दिए, और मैंने 4 इंची PVC पाइप ले लिया है, और उसकी साइज़ 8 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने ले लिया। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। और मैंने फिर से एक शीट ले ली वही PVC पाइप की, फिर मैंने जिसकी 8 सेंटीमीटर इसकी साइज़ थी अंदरूनी ली, इसलिए मैंने बस बाहर से इसमें इतना ही इसमें हिसाब से लेकर मैं इसमें सर्कल बना लूँगा PVC पाइप पर। फिर इसको काट देंगे। देखिए, मैंने इसको काट दिया, जैसे आपका वक्त ज़ाया नहीं हो, इसलिए जल्दी मैं काट दिया इसको। फिर इसको अच्छी तरह फिनिशिंग दे देंगे साइडों से। और मैंने 2 PVC पाइप ले लिए, 1.25 इंची और 1 इंची, और इसमें 1 इंची इसमें अच्छी तरह नीचे से फिक्स आ जाए, और उसकी साइज़ एक की साइज़ 23 सेंटीमीटर, दूसरी की साइज़ 20 सेंटीमीटर के सबसे ले ली। मैंने एक छोटा बड़ा एक बड़ा ले लिया है, और जो हमारा 1 इंची वाला इसमें अच्छी तरह फिक्स भी आ रहा है, और जो हमने 4 इंची PVC पाइप ले लिया था उसके ऊपर हमने ये जो ढक्कन काटा था, इसको हम बिल्कुल मिड में इसमें होल कर देंगे। पहले मैं इसके सोल्डरिंग आयरन की मदद से कर दूंगा, फिर बाद में इसको बड़ा होल कर देंगे सीजर की मदद से। देखिए, इसमें छोटा होल हो चुका है बिल्कुल मिड में, लेकिन इसमें पाइप फिट नहीं आ रहा, इसलिए मैं सीजर की मदद से बड़ा होल कर दिया है। अभी इसमें पाइप अच्छी तरह फिट आ रहा है हमारा, देख सकते हैं आप। अभी हमने 4 इंच के ऊपर ये रख के इसको सुपर ग्लू लगा के इसको बंद कर देंगे टाइटली अच्छी तरह। देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया है। फिर अपना पाइप ले लेंगे और उसके अंदर लगा देंगे, फिर इसको भी हम सुपर ग्लू की मदद से बंद कर देंगे। देखिए, मैंने इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा के इसको भी अच्छी तरह बंद कर देता हूँ। फिर मैंने 1.25 इंची पाइप ले लिया अपना, फिर उसके नीचे बिल्कुल होल कर देंगे, एक छोटा सा होल कर दिया। देखिए, मैंने और मैंने एक स्क्रू ले लिया है, क्योंकि ये इसको इसकी साइज़ बड़ा करेगा, छोटे करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमने 1 इंची लिया था उसके ऊपर लगा देंगे, इसको ऊपर नीचे करके इसकी साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं हम। देखिए, इसमें अच्छी तरह ये फिक्स भी आ रहा है और ये घूम भी रहा है। पहले हम इसकी चूड़ी बना लेंगे इसको घुमा घुमा के। देखिए, अभी हमें अपने पाइप ले लिए जो इसका 1 इंची था उसके ऊपर लगा के,
उसको पहले नीचे से थोड़ा बंद कर टाइट कर देंगे सॉरी। देखिए अभी इसको खींचे के भी ये नहीं निकलेगा ना, इसको नहीं घूमेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें हमने नट बोल्ट कस दिया। और एक दूसरा पाइप के ऊपर मैंने एक होल भी कर लिया थोड़ा, इसको इसको फिनिशिंग भी दे दी कुछ इस तरह। और अपने मोटर वाले पाइप के भी नीचे फिनिशिंग दे दी कि क्योंकि इसमें सुपर ग्लू अच्छी तरह चिपक दे। फिर हमने इसको ग्रिप करने के लिए इसमें दोनों में होल करके सॉरी इसको थोड़ा इस तरह लगा के सुपर ग्लू लगा देंगे। इसका वाई शेप मैंने बना दिया था। अब मैंने एक ऑन ऑफ बटन ले लिया है और उसके लिए मैं नीचे से मार्क कर लूँगा ढक्कन के, जो हमने पीवी से पैप 4 इंच के ऊपर लगाया था। इसके मैंने होल भी कर दिया जिस तरह देखते हैं, इसमें अच्छी तरह ये हमारा बटन फिक्स आ रहा है। मैंने इसको पेच की मदद से होल कर दिया है गर्म कर करके। और अपने 775 डीसीमीटर के मैंने वायरिंग कनेक्शन कर दूंगा, पीछे से दो वायर जोड़ दूंगा, पीछे से दो वायर जोड़ देंगे। फिर हम इसे अपने पैप के नीचे से बिल्कुल निकाल लेंगे। मैं निकाल लेता हूँ जिससे आपका वक्त ज़ाया नहीं हो। देखिए मैंने इसमें निकाल लिया और मैंने एक छोटा सा कैप काट लिया है जिसे इसके पीछे से मैं लगा दूँ। देखो मैं इसके सुपर ग्लू लगा के इसमें काट दूँ, पीछे से मैंने इसका एक खुला ऐसा रखा है और 2, 5, 6, 7 होल इसमें कर दिए, ज़्यादा इससे भी, क्योंकि ये इसमें हवा ले सके गर्म नहीं हो। और मैंने एक वायर बाहर निकाली क्योंकि इस बार हम बटन का कनेक्शन कर देंगे, उसको काट दिया है। और एक ये नेगेटिव वायर है इसकी, जो दो सिरे काटे थे, एक हिस्सा उधर से जोड़ देंगे बटन के, एक हिस्सा उधर से जोड़ देंगे। सिर्फ हमने इसमें बटन का कनेक्शन लगाएंगे और इसमें कुछ नहीं लगाएंगे LED, क्योंकि कनेक्शन हमें सिंपल रखना है। और दो वायर हम नीचे से निकालेंगे क्योंकि इसमें हम बैटरी फिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसमें बटन कनेक्शन कर दिया, कुछ इस तरह हमारा तैयार हो चुका है। और मैंने एक पंखुड़ी ले ली है, इसको पर्पुलर भी बोलते हैं। और ये 5 परों वाला है, 3 परों वाला भी मिल जाता है आपको, मैंने 5 परों वाला ले लिया। फिर हम अपने मोटर के ऊपर इसको अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। देखिए मैंने इसको मोटर के अंदर फिक्स कर दिया, ये अच्छी तरह घूम भी रहा है जिस तरह देख सकते हैं आप। फिर मैंने एक अपने ऑयल के डब्बे का है उसका नीचे वाला से ले लिया है। फिर मैं एक 4 इंची वाला फिर वही पेपर पे ले लिया है और एक बॉक्स इस तरह बना लिया क्योंकि इसमें हम बैटरी फिक्स करेंगे। फिर मैंने इसमें ऑयल लूँगा, तेल जिसको बोलते हैं हम। फिर हम इसको अच्छी तरह इसमें लगा देंगे क्योंकि हम इसमें सीमेंट रखेंगे, जिस सीमेंट इसमें लगे इसके बाहर निकल आ जाए आसानी से। सारों में अच्छी तरह मैं लगा दूंगा, फिर मैं इस पैप में लगा दूंगा। और उसमें हम बॉक्स में नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें उसको अंदर ही रखना है। फिर मैं नीचे इसमें सीमेंट लगा दूंगा, रख दूंगा। मैंने पहले सीमेंट मिक्स करके रखी थी, अभी इसमें लगा देता हूँ। देखिए मैंने इसमें सीमेंट नीचे का इसका बेस भर लिया है, थोड़ा सा भर लिया। फिर मैं इसमें जाली लगा दूंगा क्योंकि इसमें मजबूती आ जाए। आप इसमें दूसरे वायर के छोटे टुकड़े भी लगा सकते हैं स्टील के, मैं इसमें मेरे पास जाली पड़ी हुई थी वो लगा लूँगा। अगर आपके पास वही पड़ी हुई वो भी लगाना, इसमें अच्छा काम करेगी। फिर मैं इसके ऊपर फिर सीमेंट लगा दूंगा क्योंकि ये हमारा थोड़ा ये बड़ा है वोल्केन का नीचे ऐसा, ये टूट नहीं जाए, इसलिए हम फिनिशिंग देने के इसमें मजबूती हो इसलिए जाली लगा रहे हैं। दूसरा हमने बॉक्स ले लिया, उसके ऊपर लगा के उसको थोड़ा दबा देंगे और उसका मुंह जो खुला हुआ है इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि इसमें अंदर सीमेंट नहीं जाए, फिर हमारी इसमें डबल खुआरी हो जाएगी उसको साफ़ करने में। इसके लिए मैंने इसका बोतल का हिस्सा काट के उसमें लगा दिया। फिर मैंने अपना 4 इंची जो पाइप था उसमें साइड में लगा दिया है कुछ इस तरह। अभी हम सारे में सीमेंट भर दूंगा, जैसे इसके कॉर्नर जो साइड वाले हैं उसको थोड़ा छोड़ देंगे, जैसे इसके मोटी दीवार बनाए, जब छोटी होगी तो पतली होगी, टूट भी सकती है, मेरी टूट गई थी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जो आपकी इसके साइड वाले कोने हैं ना इसको थोड़ा बड़ा करके रखें, ये टूटे नहीं। मैं सारों में सीमेंट भर देता हूँ। अगर आप सीमेंट का नहीं बनाना चाहते तो आप दूसरा भी बना सकते लकड़ी का। देखिए मैंने सारों में सीमेंट भर दिए, 12 घंटे के बाद तकरीबन मैंने इसको निकाल लिया है। अभी तक ये पूरा सूखा नहीं है क्योंकि मैंने पहले इसके पाइप निकाली गई थी, तमाम सूख जाएगा फिर हमें निकालने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए पहले हमने इस पाइप वो बोतल का हिसाब वो निकाल लिया था। अभी मैंने इसके थोड़े कॉर्नर काट लिए जैसे ये आसानी से बाहर निकल आ जाए, इसलिए मैंने इसके कोने काट लिए। देखिए हमारा इसमें निकल आ गया, लेकिन अभी ये पूरा सूखा नहीं है, आप इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे जैसे ये अच्छी तरह पूरा सूख जाए। फिर मैंने एक फूटा ले लिया लोहे का, फिर इसमें अच्छी तरह जो इसके निकले हुए ऊपर नीचे इसको अच्छी तरह इसको मैं काट के इसको फिनिशिंग दे देता हूँ। फूटे की मदद से इसमें आसानी से फिनिशिंग आ जाएगी, इसमें सारों को फिनिशिंग दे देता हूँ। ध्यान रखें ये फिर टूट सकता है क्योंकि ये पूरी तरह सूखा नहीं है, आप पूरी तरह इसको सूखा के फिर इसको इस्तेमाल करें, फिर भी ये टूट सकता है। देखिए मैंने उसको अच्छी तरह फिनिशिंग दे दी, कलर करने की कोशिश की थी फिर भी, लेकिन ये अच्छी तरह सूखा नहीं था इसलिए कलर नहीं हो रहा था। बाद में मैं इसको कलर भी कर दूंगा ब्लू कलर।
जिस तरह देख सकते हैं कुछ इस तरह है हमारा। और अभी मैं इसमें एक वायर के लिए भी इसमें साइड से होल बना दिया था, अगर आपने नहीं बनाया था बाद में ड्रिल मशीन की मदद से बना सकते हैं, लेकिन पहले बना दिए तो वो अच्छी बात है। फिर हमें इसमें देखे इसमें आसानी से फिक्स आ रहा है, क्योंकि हमने 4 इंची पाइप लगाया था उस, और इसमें हमारे पंखे में भी 4 इंची पाइप लगा था। दो मैंने वाशर ले लिए, क्योंकि हम इसमें ड्रिल मशीन की अपनी बैटरी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने दो वाशर ले लिए, और एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में इसको अच्छी तरह जोड़ देंगे। आप सोल्डरिंग कर दें कर सकते हैं, मैंने सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ इससे, इसलिए इसमें ऐसे ही जोड़ देता हूँ। दोनों मैं इसमें अच्छी तरह लपेट देता हूँ। मैंने एक अपनी ड्रिल मशीन की बैटरी ले ली है जो कि तकरीबन 17 वोल्ट के करीब है, देख सकते हैं आप इसकी। आपके आप दूसरी भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं मोटरसाइकिल की, अगर नहीं है तो आप इसमें सोलर पैनल पर चला सकते हैं। दूसरे दो मैं दोनों साइड इसके लगा देंगे इसके कोनों में, एक नेगेटिव पॉजिटिव में अच्छी तरह इसमें लगा देंगे। देखिए इसमें बैटरी अच्छी तरह फिक्स आ रही है, हमने इसलिए बनाया था इसमें साइज़ के हिसाब से बनाया था, आप इसको नीचे खोल नहीं कर सकते। देखिए हमारा बिल्कुल टेबल फैन तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने इसमें 17 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है। आप इसको 18 वोल्ट भी बोल सकते हैं हमारा टेबल फ़ोन। देखिए इसकी कितनी इसकी आवाज़ ज़्यादा आप सुन सकते हैं, और देखिए इसकी कितना ज़्यादा पावरफुल है, कल को कितना स्पीड से उठा है, कपड़ा भी देखिए कितना इसको स्पीड से उड़ा रहा है। देखिए एक बुक के देखिए किसको कितने स्पीड से उड़ा रहा है। बस इतनी सी वीडियो थी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक मुझे दीजिए। तब तक बहुत सारे ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।